परिशन पर्व, जिसमें से 5 दिन निकल गए, 50-50, 5 दिन और शेष हैं आपके। संयम के साथ इस पर्युषण को मनाना है। आज उत्तम संयम का परीत अवसर आपके बीच में आया है। संयम और चारित्र, इन दोनों में अंतर है, उसको हमें समझना है। चारित्र में और संयम में अंतर क्या है महाराज? बड़ा अंतर है। वो ये है, चारित्र चलने का नाम है। चारित्र चलने का नाम है और उसमें भी सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। समीचीन चलने का नाम सम्यक चारित्र है। चलना तो सब लोग जानते हैं, किंतु कैसा चलना, किस रूप में चलना, किस ओर चलना, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और चारित्र को अंगीकार जो किया जाता है, उसके पीछे प्रयोजन क्या होना चाहिए। आचार्य समदभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक के माध्यम से विषय दिया है, वहीं से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। मोह तिमिराप हरने दर्शन लावा दवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ यहां पर साधु नहीं, यदि पहले से ही साधु है तो चारित्र को क्या ग्रहण करेगा। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, भव्य मुमुक्षु जीव है, जो कि वह चरणम प्रतिपद्यते चारित्र को वह अंगीकार करता है। किसलिए करता है? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष निवृत्ति कहा, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है, यह प्रयोजन है। चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत यदि राग द्वेष में कमी नहीं आई तो उस चारित्र की क्या दशा होगी, इसको भी हमें समझना है। क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस धरती पर, इस लोक में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण जो होता है वह यात्रा नहीं मानी जाती। मैंने कई बार इस विषय को रखा है, आज पुनः रख रहा हूं। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। परिभ्रमण का अर्थ घूमना और यात्रा का अर्थ मंजिल तक पहुंचना, बड़ा अंतर है। मोक्ष महल तक हमें पहुंचना है, इसलिए परिभ्रमण से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और राग द्वेष की जो निवृत्ति होती है वह भी बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। समीचीन आस्था के बिना, समीचीन श्रद्धान के बिना चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ सकते। इसलिए मोह तिमिराप हरने ऐसा कहा। मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के पश्चात सम्यक दर्शन का लाभ होता है, और सम्यक दर्शन का जैसे लाभ हुआ है वह सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में समय भेद नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि पहले सम्यक दर्शन होता है उसके पश्चात
सम्यक ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं। एक समयवर्ती यह परिणति है, इसके उपरांत भी आचार्यों का यह कहना है कि एक समय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य की व्यवस्था इसमें भी विद्यमान है। इसमें क्या विद्यमान महाराज, कारण कार्य की व्यवस्था, जबकि एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हुए भी जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान में समीचीनता नहीं आ सकती, और ज्ञान में समीचीनता यदि आई है तो सम्यक दर्शन के कारण आई है समीचीनता। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन कारण शुद्ध होता है और सम्यक ज्ञान कार्य शुद्ध होता है। दीपक प्रकाश योरिव, इस प्रकार पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं, दीपक और प्रकाश, प्रकाश कब होगा, दीपक के बिना प्रकाश होता है क्या, और दीपक जलाने के बाद घंटे भर बाद प्रकाश होता है क्या। जिस समय आपने दीपक को जलाया उसी समय प्रकाश उत्पन्न हुआ है, इसके उपरांत भी प्रकाश के लिए कारण दीपक है। उसी प्रकार ज्ञान में समीचीनता लाने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के उपरांत सम्यक दर्शन का लाभ होता है और उसी समय सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत फिर चरित्र को अंगीकार करने के लिए अग्रसर हो रहा है भव्य जीव, क्यों, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। अब सोचो विचार करो, वैसे देखा जाए अनंतानुबंधी संबंधी राग समाप्त हो गया तभी तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। इसके उपरांत भी कह रहे हैं आचार्य राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जा रहा है। इसे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी जब तक उसका जीवन असंयम के साथ रहेगा तब तक वह मात्र टिकट खरीदा है उसने, ये ध्यान रखो। सम्यक दर्शन का अर्थ केवल आस्था उत्पन्न हुई है कि पंचेंद्र के विषय ये हैं और शुद्ध परमात्म तत्व उपादे है, इस प्रकार उसकी आस्था अटूट हो चुकी है। जब आस्था जागृत हुई है तो आस्था के बल पर ही वह मोक्ष मार्ग में कदम रखता है, रखे बिना काम नहीं चलेगा। ये ध्यान रखो, हमें सम्यक्षण उत्पन्न हो गया हम निश्चिंत हो गए, गलत है। निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाएंगे तो संभव है कभी भी वह सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। बिजली आई है, प्रकाश अंधकार नष्ट हुआ है और प्रकाश देखने को मिल रहा है, किंतु कभी भी बिजली गोल भी तो हो सकती है ना। तो उसी प्रकार प्राप्त सम्यक दर्शन कभी भी समाप्त हो सकता है, और गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है संघ के लिए कि ध्यान रखो, क्षोभम सम्यक दर्शन क्षायिक है नहीं वर्तमान में, इसलिए बहुत रिस्क है, कभी भी वह सम्यक दर्शन ऑफ हो सकता है, छूट सकता है। और आगम के माध्यम से ही ये जानकारी मिलती है कि क्षोभम सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत अंतर मुहूर्त में वह छूट भी सकता है। ऐसा कौन सा प्रसंग आ गया महाराज जो प्राप्त सम्यक दर्शन भी छूट रहा है, इसी को बोलते हैं असावधानी, और असावधानी से दूर रहना चाहिए। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ इसके उपरांत भी राग का प्रभाव अभी भी कम नहीं हो रहा, हालांकि अनंतानुबंधी जन्य राग अभाव को प्राप्त हुआ है, किंतु अन्य जो असंयम है उसको परेशानी में डाल रहे हैं। सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी
वह राग से ऊपर उठने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यक दर्शन तो दुर्लभतम वस्तु है, किंतु उससे भी दुर्लभ चारित्र को कहा है। आप सोचो, वृषभनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। महाराज ये पूर्व पूर्व बोल रहे हैं, हमें पूर्व का अर्थ समझ में नहीं आता, पूर्व और पश्चिम समझ में नहीं आ रहा हमें। पूर्व का अर्थ क्या है उसको भी खोलना चाह रहे हैं हम। 84 लाख वर्ष को, 84 लाख पहले, 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुना करने से जो गुणनफल आता है वह एक पूर्वांग माना जाता है। पूर्व नहीं, सुन रहे क्या? नहीं, संयम के साथ सुनो। 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुणित करने पर एक पूर्वांग आता है, और ऐसे 84 लाख पूर्वांग का नाम एक पूर्व है। और वृषभनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। किंतु वह उत्कृष्ट नहीं है, ध्यान रखो। उत्कृष्ट तो एक पूर्व कोटि होती है, उसमें 16 लाख पूर्व कम है। 84 लाख पूर्व की आयु थी वृषभनाथ भगवान की, और सम्यक दर्शन को साथ लेकर के आए हैं, प्राप्त नहीं करना उन्हें, और वह भी क्षायिक सम्यक दर्शन को लेकर के आए हैं। इसके बावजूद भी 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, घर छूट नहीं रहा, और क्षायिक सम्यक्त्व है, अवधि ज्ञान है, और उसी भाव से उन्हें मुक्त होना है। स्वभाव शरण की रचना होगी, तीर्थ के संचालक बनेंगे, नेता बनेंगे, तीर्थ के कर्ता बनेंगे। इसके बाद भी 83 लाख पूर्व तक असयम अवस्था में रहे। सोचो, विचार करो। महाराज जब वो रह गए तो हमें रहने में क्या आपत्ति? रहो फिर, आपत्ति क्या है? ये आपको उठाना है, क्या मुसीबत है? इसलिए तीर्थंकरों की एक अलग व्यवस्था है, किंतु आप लोगों को उनसे भी जल्दी पार होना चाहिए, क्योंकि आप असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के आपका जीवन नहीं चल रहा, ये ध्यान रखो। अपन सामान्य व्यक्ति है, फिर भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था जागृत होने के कारण संयम लेने के भाव जागृत होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत ज्यादा दिन तक असंयम के साथ नहीं गुजारना चाहिए। इसलिए यहां पर मंच पर आकर मैं बैठा और लाइन लगी किसके लिए? संयम धारण करने के लिए। कई लोगों ने प्रतिमाएं अंगीकार कर ली है, आज दुकान चल रही है अपनी, क्योंकि प्रयोग का नाम है। दुकान तो खुली है, किंतु कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था संयम धारण करने के लिए। उपवास तो काफी लोग कर रहे हैं, उपवास करना अलग वस्तु, किंतु संयम धारण करना अलग वस्तु, क्योंकि उपवास पूर्ण होते ही फिर दोनों हाथों से लेने वाले भी ले सकते हैं। मनोरंजन करना हो, तनाव में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ठीक है, होता है, क्योंकि बहुत दिन तक ज्यादा दिन तक संयम रखना बहुत कठिन होता है। उसको भी मैं खोलूंगा, धीरे धीरे खोल रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि संयम 83 लाख पूर्व बहुत होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, और अटूट संपदा, अटूट वैभव,
उस प्रकार का वैभव अन्य किसी के पास संभव नहीं, बल्कि सौधर्म इंद्र उनके पास भी वह वैभव फीका पड़ रहा है, इतना तीर्थंकरों का दिव्य वैभव माना जाता है। संपदा की कोई कमी नहीं और सर्वार सिद्धि से उतरे हैं वो, कौन? वृषभनाथ। और वहां पर सर्वार सिद्धि पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को स्थान दिया, बल्कि रत्नत्र की निर्दोष आराधना करते हुए और घोरतम परिशह और उपसर्ग का सामना करते हुए जो चारित्र का पालन करता है उसको सर्वार सिद्धि मिलती है, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं वह भी सप्लीमेंट्री है, ये ध्यान रखो, क्योंकि उस घोर तप के उपरांत, तपस्वरण करने के उपरांत, घोर उपसर्ग सहन करने के बावजूद भी कर्म दग्ध नहीं हो पाए, इसलिए सर्वार सिद्धि पहुंच जाता है। फिर वहां पर इस संयम के प्रभाव से सर्वार सिद्धि पहुंचे हैं और 33 सागर तक वहां पर व्यतीत किया है जीवन को। सागर बहुत लंबा चौड़ा, जबलपुर नहीं, हाँ सागर बहुत लंबा चौड़ा होता है। अभी पूर्व की चर्चा की है, सागर के सामने पूर्व जो है वह बूंद के समान है, ये ध्यान रखो। और 33 सागर की आयु वहां पर क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ रहे और उतने दीर्घ काल तक तत्व चर्चा के साथ ही जीवन को व्यतीत किया है। वहां पर वासना, मन संबंधी भी वासना नहीं, ये ध्यान रखो, प्रविचार का अभाव है वहां पर। और मंदतम कषाय का उदय है, परम शुक्लेशा के साथ जीवन चल रहा है। और 33,000 वर्ष के उपरांत एक बार मानसिक आहार होता है, कंठ से अमृत झरता है। और 33 पक्ष, हाँ बहुत होते हैं, 16.5 महीने के उपरांत एक बार श्वासोश्वास की क्रिया, श्वसन क्रिया, प्राणायाम नहीं वहां पर, अनुलोम विलोम वहां पर ये नहीं चलेगा, आप करते रहो। वहां पर 16.5 महीने के उपरांत एक बार श्वसन क्रिया होती है और 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ से अमृत झरता है और बाकी आराम के साथ वो रहते हैं। वहां पर चूल्हा नहीं जलाना, न गैस, वहां पर गैस की बीमारी भी नहीं, न गैस है न गैस की बीमारी है, कोई नहीं, वहां पर कोई रोग नहीं है, शारीरिक कोई भी बाधा, कोई रोग इत्यादि नहीं, बिल्कुल शांति के साथ। और द्वादश्यांग की पार्टी है, कितना तीव्र पुण्य का उदय होगा उनका। इसके उपरांत भी वहां पर संयम नहीं है, ध्यान रखो। क्षायिक सम्यक दर्शन है, प्रविचार का अभाव है, अवधि ज्ञान है, द्वादशांग की पाटी है, यह सब होने के उपरांत भी संयम के परिणाम नहीं होते। क्यों नहीं होते महाराज? क्यों नहीं होते संयम के परिणाम? क्योंकि संयम तब अपनाया जाता है जब गिरने की संभावना होती है, सावधानी तब रखी जाती है जब गिरने की संभावना है। वहां पर गिरना कुछ है ही नहीं वहां पर, क्योंकि वहां पर तीव्र कषाय का उदय ही नहीं। तीव्रतम कषाय का जब उदय आता है उस समय सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए न स्वर्गों में संयम है, न भूमि में संयम है। संयम के लिए यदि कोई क्षेत्र है
वह कर्म भूमि कहा है। तो वहां पर असंयम के साथ रह रहे हैं, इसके उपरांत भी वहां पर कोई आकुलता नहीं। हाँ, आकुलता होती तो प्रतिदिन भोजन करना पड़ता, किंतु नहीं। इसके उपरांत वहां से उतरे हैं कौन? वृषभनाथ। और वहां पर वासना का पूर्णतः अभाव रहा 33 सागर तक, और यहां पर आकर के ऐसी कौनसी हवा लग गई कि यहां पर 83 लाख पूर्व तक असंयम के साथ रहे। संयम लेने के लिए अवसर था, कहां तो 8 साल अंतर्मुर्त के उपरांत संयम को धारण करने की क्षमता आ जाती है, और संयम को धारण करने वाले करते हैं, किंतु उनका मन क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न चिन्ह है। महाराज, ये नियोग है, गलत बात। नियोग कोई वस्तु नहीं। यदि नियोग है तो पंच बालवती क्यों हुए फिर? कौन? वासुपुजनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये भी तीर्थंकर के रूप में ही हुए हैं। तो इन्होंने विवाह संबंध क्यों नहीं किया? बोलो, सब नियोग है तो उनको भी शादी कर लेनी चाहिए थी, विवाह संबंध उन्हें भी करना था, क्यों नहीं किया? आचार्य कहते हैं कोई बाध्य नहीं करता दूसरा व्यक्ति, हम स्वयं बाधित होते हैं। महाराज, हमने बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास तो किसी ने नहीं किया होगा, उतना प्रयास हमने किया, किंतु माता पिताओं ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती करी, इसलिए विवाह करना पड़ा। गलत बात है। ए? ये बाध्यता कोई बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, वैराग्य होना और नहीं होना स्वयं के ऊपर निर्धारित है। सोचो, विचार करो, प्रतिमान योग आप लोग भी पढ़ते हैं, वैराग्य के निमित्त कौन कौन से हो सकते हैं? महाराज, आपको भी वैराग्य हुआ, किससे हुआ, ये तो बाद की बात है, इसमें हमें समय नहीं, अभी हम और कभी भी बता सकते हैं। किंतु आचार्य कहना चाह रहे हैं वैराग्य के लिए एकमात्र सफेद बाल भी पर्याप्त है। एक सफेद बाल को देख करके वैराग्य हो जाता है, और सारे सारे बाल सफेद होने के बाद भी उसको काले बनाने में जो लगा हुआ है उसको वैराग्य किस भाव में होगा? ओम शांति है, किस भाव में वैराग्य होगा? सोचो, विचार करो, बहुत कठिन है ये। है? हाँ, बहुत कठिन है वैराग्य होना, खेल नहीं। और 83 लाख पूर्व तक रहे, उसी हवेली में रहे, हवेली छूटती नहीं, ऐसा थोड़ी हवेली छूटेगी, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता, ये ध्यान रखो, अपने आप नहीं छूटता। हाँ, अपने आप कोई कार्य होता ही नहीं, सांसारिक जितने भी कार्य होते हैं वो अपने आप होने लग जाए तो फिर तो भोग भूमि और कर्म भूमि में अंतर क्या रहा? फिर सब कुछ पुरुषार्थ के फल स्वरूप सब मिलता रहता है। अर्थ पुरुषार्थ करता है संसारी प्राणी, उसके माध्यम से अर्थ का अर्जन होता है। तो मैं ये कह रहा था 33 सागर तक वहां पर असंयम के साथ रहा, और बिना प्रविचार के, बिना वासना के वो काल उन्होंने व्यतीत किया, और तत्व चर्चा के साथ व्यतीत किया, व्यक्तता के साथ नहीं, सतकथा के साथ इतना लंबा काल व्यतीत किया, इसके बाद यहां आने के उपरांत उलझन क्यों? क्यों उलझ रहा है संसारी प्राणी? आचार्य कहते हैं ये पंचेंद्र के विषय ही उलझा रहा है, उसके बिना नहीं। यहां आते ही पुनः
वही, यहाँ की हवा अलग वहाँ की अलग। तो 83 लाख पूर्व तक व्यतीत किया और इंद्र को चिंता हो गई। बताते हैं अभी भी घर नहीं छूट रहा है, अब कैसे छूटेगा घर, इसलिए वैराग्य प्राप्त हो जाए इस निमित्त को लेकर के नीलांजना का नृत्य उनके सामने कराया गया है। और नृत्य करते करते उस नीलांजना का जब अवसान हो जाता है तो एक और नीलांजना की बात आती है, फिर कहीं जा करके वैराग्य हो गया। लेकिन वैराग्य हो गया तो इतना सॉलिड वैराग्य हो गया, दोबारा मुड़ करके हवेली की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई है। एक बार और देख लूं जाते जाते, नहीं, अब निकल गए तो निकल गए। और उसी समय लोकांतिक देव आकर के उस वैराग्य का समर्थन करते हैं, धन्य है आपका जीवन। हाँ, अब 83 लाख तक बैठ गए फिर भी धन्य है बोल रहा, बोलना तो पड़ेगा क्योंकि अनंतकालीन यह संस्कार है। वह संस्कार छूट गए तो बड़ा सौभाग्य माना जाएगा, नहीं है तो वह परिभ्रमण छूटेगा नहीं। इसलिए वैराग्य बहुत कठिन होता है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है प्रसंग के अनुरूप, वो आपके सामने रख रहा हूं। निरुद्ध बोध पाशेन, निरुद्ध बोध पाशेन क्षिप्ता वैराग्य पंजरे, ऋषिक हरयो येन स मुनीनाम महेश्वर। ऐसा कहा, वह मुनियों का स्वामी है। कौन? जिन्होंने बोध अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा ऋषिक हरयः, ऋषिक बोलते हैं इंद्री को, और इंद्री और हरि बोलते हैं बंदर को, इंद्री रूपी बंदरों को जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा बांध करके वैराग्य पंजरे क्षिप्ता वैराग रूपी पिंजड़े में जिन्होंने डाल दिया है, किनको? इंद्री रूपी बंदरों को सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा बांध करके वैराग रूपी पिंजड़े में जिन्होंने डाल दिया है, स मुनि नाम महेश्वरा, वह मुनियों का स्वामी है। खेल थोड़ी है, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य अपने आप नहीं होता। जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, सम्यक ज्ञान हुआ है इसके उपरांत भी, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी राग को समाप्त करने के लिए बहुत और पुरुषार्थ करना पड़ता है। अनंतानुबंधी राग अभाव को प्राप्त हुआ, इसके उपरांत भी अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो राग है वह उलझा रहा है, वह उलझता चला जाता है संसारी प्राणी। सोचो विचार करो आपको क्या करना है महाराज। आप ऐसे ऐसे शास्त्र की बातें सुनाते हैं, हमें टेंशन बढ़ता है। क्यों? हमारे अभी बाल बच्चे छोटे हैं महाराज, छोटे हैं, वो भी तो बड़े तो होंगे, बड़ा बनाओ, बड़ा नहीं बनाना है, खाने का बड़ा नहीं, वो उसको बड़ा बना लो, किंतु धार्मिक संस्कार दे करके अपने जीवन के लिए भी कुछ उद्धार की बात सोचने में आना चाहिए। कब तक रहना है? और बोलते चले जाते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं भजन में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, ये बोलते हैं। आप लोगों की भजन को सुनकर सुनकर के हमें भी थोड़ा बहुत याद हो जाता है, और आपकी बात को आपके सामने रख करके हम बरी हो जाते हैं। क्या करें, उलझता चला जा रहा है संसारी, कब तक उलझेगा, बहुत कठिन है। इसलिए
इंद्रिय रूपी संयम को वैराग रूपी पिंजड़े में बंद करना खेल नहीं है। सम्यक ज्ञान रूपी रस्से की बांधना पड़ेगा उसको। बांधो, आपके पास सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं है महाराज, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, कोई ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। वैराग होने के लिए थोड़ा बहुत भी ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा की क्या आवश्यकता हमें? संयम धारण करने के लिए वैराग की आवश्यकता है, उसके बिना संयम संभव नहीं। तो संयम और चारित्र में क्या अंतर है? महाराज आपने शुरुआत में कहा था कि चारित्र अलग है, संयम अलग है। समीचीन चलने का नाम सम्यक चारित्र है, किंतु चलते चलते असावधानी हो सकती है, तो सावधानी रखने का नाम संयम है। गाड़ी आप चलाते हैं, इसका नाम चारित्र हो गया, किंतु बिना ब्रेक की गाड़ी ब्रेक की क्या आवश्यकता है? ब्रेक का नाम संयम, चलने का नाम चारित्र है। चलो, किंतु चलते चलते ऐसा न हो कि पैर फिसल जाए, इसलिए सावधानी रखो, ब्रेक रखना चाहिए, लगाम चाहिए। टांगा आजकल बहुत कम हो गए, राजस्थान में ज्यादा थे, अब वहां पर भी कम हो गए होंगे। और घोड़ा और उस टांगे को जोता जाता है, और कितने लगाम है उसके? एक तो मुख में लगाम है और हाथ में लेकर के बैठा है तांगा चलाने वाला, मुख में लगाम है और रस्से उसके पास में है, वो खींचता है इधर उधर जाने से। इसके बाद भी आवाज करता है, किसके मुख से? नहीं, जब वो नहीं, वो जो चाक रहते ना उसमें वह लकड़ी फंसा देते, आवाज आते, उससे वह संभल जाता। इसके बाद भी एक और लगाम है जिसको बोलते हैं आय लगाम, हाँ साइवान, ये आय लगाम है। आंख के ऊपर दोनों ओर साइड ना देखे, इधर उधर ना देखें, सामने देखें, इसलिए उसको साइवान बोलते हैं। ये सब संयम के लिए है। ये उसी प्रकार आप चल रहे हो, किंतु सावधानी के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। असावधानी होगी तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट है, इसीलिए अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। और प्रमाद के कारण ही संसारी प्राणी फिसल जाता है। गिर क्यों जाता है? प्रमाद के कारण। और प्रमाद का स्वरूप क्या है महाराज? कुशलेशु अनादर प्रमाद, जो कुशल कार्य है उसमें असावधानी रखना। कौन सा कुशल कार्य? मोक्ष मार्ग में असावधानी जो होती है उसका नाम प्रमाद, ऐसा कहा है। कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सावधानी के साथ आप प्रवृत्ति करिएगा, कभी भी वह अपनी भूमिका से नीचे उतर सकता है। इसलिए द्रव्य संयम अलग है और भाव संयम अलग है। द्रव्य संयम वह अनंत बार ग्रहण कर लिया है संसारी प्राणी ने द्रव्य संयम को, किंतु भाव संयम के अभाव में द्रव्य संयम के द्वारा मुक्ति नहीं मिली। अब क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहने, मुक्ति चाहने, ऐसा बोलते हैं बुंदेलखंड के लोग, मुक्ति चाहने। अरे चाहने से मिलेगी क्या? तो हमें भी चाहिए, मिल जाए हमें। चाहने से भी नहीं मिलती, पुरुषार्थ करिएगा, मोक्ष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के एक पाई नहीं मिल सकता, तो मुक्ति कैसे मांग रहे हो? तो मोक्ष कैसे मिलेगा तुम्हें? पुरुषार्थ करो। और भाव लिंग के अभाव में
द्रव्य संयम को अनंत बार अंगीकार कर लिया, आप लोगों ने छड़ाला पड़ा होगा। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो, ऐसा कहा। आत्म सुख नहीं मिला, आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, आत्मज्ञान नहीं, बाकी सब कुछ ज्ञान है। क्या करना उस ज्ञान को लेकर के? तो अतीत अनंत काल में अनंत बार इस जिनलिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी मुक्ति से वंचित है। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा ही क्यों मत पूछो, क्योंकि वह द्रव्य संयम है। शरीराश्रित जो संयम होता है उसका नाम द्रव्य संयम है, और जो आत्माश्रित होता है उसका नाम भाव संयम है। समझने के लिए गमला जानते हैं आप, हैं? जिसमें पौधा उगाया जाता है, लगाया जाता है, हैं? और आपने गमला खरीद ली और पौधा लगाया नहीं, तो उस गमले से क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार जिनलिंग को अंगीकार कर लिया, इसके उपरांत भी भावलिंग यदि नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो सकता। शास्त्र ज्ञान भी है उसके पास, अभवी भी जिनलिंग को अंगीकार करता है, किंतु उसके लिए मुक्ति का लाभ संभव नहीं है।